सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी इस हफ्ते की अर्निंग दिखाने वाला हूं, जो कि भाई मुझे मौज से रिसीव हुई है। अब भाई आप लोग भी मेरी तरह कमा सकते हो, और मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि भाई मेरी ये मौज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन होने की अर्निंग नहीं है, ये मेरी बिना सिलेक्शन की अर्निंग है। तो भाई आप भी कमा सकते हो इसके थ्रू, और कैसे कमा सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ बताऊंगा। जैसे मैंने कमाया है वैसे ही आप कमाओगे। सबसे पहले मैं आपको इसका विड्रॉल प्रूफ दिखाऊंगा, विड्रॉल करके आपके सामने दिखाऊंगा, देन उसके बाद में बताऊंगा कि भाई आप भी मेरी तरह बिना मौज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन लिए ही कैसे इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर मौज ऐप जस्ट ओपन कर लिए, यहां पर आ गया मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपको अपनी मौज फॉर क्रिएटर सिलेक्शन की भी अर्निंग दिखाऊंगा, वो मेरी अर्निंग अलग है, लेकिन जो मेरे थंबनेल पर लगी थी अर्निंग, ये मेरी मौज फॉर क्रिएटर सिलेक्शन की अर्निंग नहीं है, ये मैं आपको अलग दिखाऊंगा। दोनों जगह से बताऊंगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। यहां पर अब आपको करना है थ्री डॉट पे क्लिक। तो थ्री डॉट पे हमने जैसे ही क्लिक किया, देन यहां पर मेरी वॉलेट आपको दिख जाएगी। वॉलेट पे जैसे हमने क्लिक किया, देन यहां पर गाइस आपके सामने यहां पर मेरी अर्निंग शो हो जाएगी। 29,466 मिनट्स हैं, इसका बना है जाके 14,733 रुपए। अब आप लोग कहोगे भाई मुझे प्रूफ दिखाओ कि ये अर्निंग आपकी एक ही दिन की है, एक ही बार की है। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर देखो, आपको एक दिख रहा होगा यहां पर एल टाइप का, इस पे क्लिक कर देते हैं, देन मिंट्स पे क्लिक कर देते हैं। मिंट्स पे क्लिक किया, देखो यहां पर रिसीव्ड वी क्रिएटर रेफरल। तो यहां पर 15/7/2022 एक ही बार में 28,000 मुझे आया है, और पर आज हो चुके हैं यहां पर 16 तारीख। तो अब आप लोग कहो कि भाई ये अर्निंग आपने बताया था कि मैं मौज फॉर क्रिएटर से नहीं हुए, तो फिर यार ये हुई कहां से? तो भाई आप लोग यहां पर देखो साफ साफ लिखा है रिसीव्ड वी क्रिएटर रेफरल, तो ये क्रिएटर रेफरल के थ्रू हुई है। मैंने मतलब लोगों को शेयर किया मौज ऐप, फिर लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए मेरे द्वारा, फिर उसके बाद मुझे ये अर्निंग मौज के द्वारा मिली है। एक सिलेक्शन का मुझे 500 रुपए मिलता है। मैं लोगों का सिलेक्शन करवाता हूँ, मतलब कि ये नहीं कि मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं आप सबको एक फॉर्म देता हूँ जिसको आप लोग भरते हो, देन उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी आईडी अगर फिट बैठती है मौज के क्राइटेरिया में, रूल्स को फॉलो करती है, आप अच्छे क्वालिटी की वीडियो बनाते हो, एक नीच पर काम करते हो, एक कैटेगरी की वीडियो बनाते हो, देन आपकी आईडी सेलेक्ट की जाती है मेरे द्वारा, देन मुझे 500 रुपए मिल जाते हैं एक सिलेक्शन के। तो वैसे करके मैंने बहुत सारे बंदों के सिलेक्शन कराए, तो मुझे बहुत बार पेमेंट आ चुकी है। आप मेरी बहुत सी वीडियो देख सकते हो, उसमें मेरी लाखों अर्निंग हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा फॉर्म बंद हो गया है कुछ दिन के लिए। ये मंडे को फिर से चालू होगा, जैसे ही चालू होगा फिर मैं आप सभी का सिलेक्शन करवाने लग जाऊंगा, फिर से मुझे अर्निंग होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस फॉर्म का अगर मेरे पास आ चुका होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है मौज फॉर क्रिएटर में, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखकर उसका फॉर्म भरकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो गाइस आपको पता होगा, लेकिन अब आपको मैं अपनी मौज फॉर क्रिएटर की भी अर्निंग दिखा दूं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं सेलेक्ट हूं या नहीं। तो यहां पर क्रिएटर टूल पे क्लिक किया, देन यहां पर मौज फॉर क्रिएटर पे क्लिक किया, तो यहां पर देख सकते हो गाइस मैं मौज फॉर क्रिएटर में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। यहां पर आपको दिख रहा है वेलकम टू मौज फॉर क्रिएटर, तो यहां पर आपको भरोसा तो हो गया। तो आप मेरी मौज फॉर क्रिएटर की भी अर्निंग देख लो, यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक किया, देन वॉलेट पे चले गए, फिर से आपको यहां पर मेरी हिस्ट्री दिख जाएगी। तो यहां पर मौज फॉर क्रिएटर फंड यहां पर 7,566 मिनट्स, और क्रिएटर रेफरल का जो 2,10,000 मिनट्स, क्रिएटर रेफरल से मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, लोगों के मैं बहुत ज्यादा सिलेक्शन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अगर फॉर्म आ गया होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फिल कर सकते हो उस वीडियो को देखकर। तो आप लोग को पता चल गया कि मैं दोनों जगह से कमाता हूँ, मौज फॉर क्रिएटर से भी और यहाँ पर रेफरल से भी। तो अगर आप लोग भी क्रिएटर रेफरल से अर्निंग करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर पहले हम विड्रॉल ले लेते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर रिडीम पे क्लिक किया, देन यहाँ पर रिडीम पे क्लिक किया, देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अभी 29,000 मिनट्स हैं, तो यहाँ पर मैं 23,000 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 23,000 सेलेक्ट की, तो यहाँ पर 10,350 रुपये मुझे मिलेंगे मेरे अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं इसको रिडीम पे कर देता हूँ क्लिक। तो रिडीम पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखो पेटीएम इनिशिएटेड हो गया। यहाँ पर ऊपर ही अभी आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी, वहाँ पर मेरा पेमेंट अभी आपको दिख जाएगा, फ्यू मिनट में आपका विड्रॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने 10,350 रुपये मेरे को रिसीव हो गए, यहाँ पर कुछ टैक्स वैक्स करके 10,350 रुपये मिले। तो गाइस आपको भरोसा तो हो ही गया होगा, लेकिन अब यहाँ पर बैक करके दिखाते हैं मेरे वॉलेट से कट चुके हैं या नहीं। जी हाँ गाइस, वॉलेट से भी मेरी पेमेंट कट चुका है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।